I need people to understand that if I text you H-E-H-E, it's not it's करता है तेरी बहन की तेरी तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के एक ऐसे अनोखे कंटेंट के बारे में जिसे देखकर आप भी सोचते होंगे कि काश ये बीमारी मुझे भी हो ताकि मैं भी लड़कियों के पास जाकर बोल पाऊं। नाइस बूस्ट। तो आओ यार आज हम एक नई दुनिया में कदम रखें जहां पर हमें देखने को मिलेगा किसिंग प्रैंक ऑन क्यूट गर्ल, स्कूटी चोर प्रैंक ऑन क्यूट गर्ल, बेस्ट कॉमेडी प्रैंक, भोंसड़ी की एक ऐसा प्रैंक है जो हमारे यहाँ नहीं होती। अगर सच में इस चीज को प्रैंक कहा जाता है तो गाइस मैं भी जा रहा हूँ आज से अपने बोरिया बिस्तर लेकर प्रैंक वीडियो बनाने, क्योंकि अगर बोरिया और बिस्तर साथ रहेगा तो प्रैंक वीडियो और भी शानदार बनेगा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस बाकी यूट्यूबरों का इंट्रो देखिए कैसा होता है। तो कैसे हैं आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन प्रैंकस्टर के इंट्रो का स्वैग लेवल बिल्कुल अपर लेवल का होता है। आर यू गाइस फॉर रियल? फोन दो मेरा, तुम्हें अकल नहीं है? गाइस कैसे हो आप सारे के सारे, और आज मैं करने जा रहा हूँ गे प्रैंक। तो भाई उधर में एक लड़की बैठी हुई है, तो आपने उधर कैमरा लगा लो, प्लीज लगा लो ना। गे प्रैंक करने जा रहा है, गे से अपनी गांड मरवाने जा रहा है। भोसड़ी के कम से कम अपना इंट्रो तो सही से कर ले, क्योंकि तुझे देखकर मैं सच में कंफ्यूज हो गया था। अपने बूब्स की मसाज कहाँ पे करवाई थी मुझे बता दो, मैं भी जाके करवा लूँ। साला कंटेंट के नाम पर कुछ भी बकचोदिया पेल रहा है। Hey guys, तो तुम्हारा भाई मास्क मैन बन चुके आज। मास्क मैन? भोसड़ी के ये बोरी इतना बड़ा है कि इसमें 32 इंच का टीवी घुस जाएगा और तू इसको मास्क बोल रहा है? की आई थी वो मेरी गाइस रियल में गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मैंने आज उसे किस के लिए बुलाया कि मैं आज उसे बुला के किस मांगूंगा? चलो समझ में आया कि तेरी बंदी तुझे किस देगी। तो भोसड़ी के एक बात बता, इसमें प्रैंक कहाँ है? प्रैंक कहाँ है? प्रैंक कहाँ है? प्रैंक कहाँ है? प्रैंक यहाँ है, खत्म। तो गाइस मैं जरा उसको एक बार कॉल कर लेता हूँ। हेलो 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 रख रख तेरी माँ की रख। हेलो, अरे भाई नहीं देगी, क्यों इतना चेप हो रहा है? पहली बार मुझ पर किसी ने हाथ उठाया। बाय रिट्स धवन। वीडियो कब की है? 1 month ago। ध्यान से देखो गाइस इस लड़की को, अब मैं दिखाता हूँ कि ये लड़की सच बोल रही है या झूठ। 1 year ago। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका जस्ट फ्रॉम बैक टू आवर नई वीडियो साथ हूं। एक भाभी दिख रही है, बहुत प्यारी भाभी है, जरा लड़की में बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं यहां पे। बहुत दिनों से नोटिस कर रहा है? अबे भोंसड़ी की लड़की है, कैंपर नहीं जो एक जगह बैठी रहेगी। और गाइस मैं साथ प्रैंक करने जा रहा हूं, देखता हूं रिएक्शन क्या होगा। कुछ बैग वैग भी नहीं लाया, दिखाना पड़ेगा मुझे। और बहन जो लड़की बिल्कुल चोसक लग रही है यार, धक्का पैर धक्का। अबे घोड़े की लंड, आराम से, ज्यादा हवस फैलाने की जरूरत नहीं, नहीं तो गांड में ऐसी जगह गोली लगेगी ना, नाक के दो छेद और गांड के दो छेद में जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहोगे। पता था इस भोसड़ी वाले को, पता था कि लोग मात चोद देंगे कमेंट में, इसीलिए भोसड़ी का कमेंट ऑफ करके रखा है। आज भी लड़कियां कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, और इन्हीं हरामियों की वजह से हम बदनाम है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। सबसे पहला बात कि लड़की कौन है, कैसी है, कहाँ की है, किस प्रॉब्लम में है, ये सब जानने बगैर ये भोसड़ी वाले अपने हवस निकाले चले आते। भोसड़ी वालों दूसरों की रिस्पेक्ट करना, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी गांव की खुजली मिटानी है। गाइज मैं आप लोग को इस वीडियो की स्टोरी बताता हूँ। ये जो बंदा है, ये बंदा इस लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है और ये बंदा शादी करने से मना कर देता है। ये स्टोरी सच है या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग आगे देखो। तो हर बार की तरह हमारे नितिन भैया इस लड़की की मदद करने आते हैं, और वीडियो के अंदर कितना चुतियापा है वो आप लोग देखो। और गाइज इन्होंने मुझे प्रॉब्लम ही अभी 2 दिन पहले बताई है और बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और मैं आपकी फैन हूँ, मैं सारी वीडियोस देखती हूँ आपकी, बट कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, तो मैंने आपको कभी बताया मतलब नहीं। भाई तू कहना क्या चाहता है कि मतलब तुम्हारे जितने भी फैन हैं उन्हें कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आती है जिससे तुम्हारी वीडियो बन सके? और वही तो मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है वो तुम्हारा फैन ही क्यों होता है? और एक सेकंड, भोसड़ी वाला पुलिस का सिर्फ चालान काटने के लिए, इसे मदद नहीं ले सकते? हेलो, मैं दीक्षा, मैं मुंबई से हूँ, गोरेगांव में रहती हूँ। मैं पिछले 2 साल से एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में हूँ,
और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। अभी अभी हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई जस्ट बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, मैं अभी डिप्रेशन में हूँ। हाँ ऐसा ही तो होता है डिप्रेशन। डेनिम जैकेट, ब्लैक जीन्स, 3.5 किलो मेकअप और सासा बैंक्स की दादी का झड़ा हुआ बाल। दीदी इतनी डिप्रेशन में है कि ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर पा रही। फिर भी वो मेरे पास नहीं आया। लड़की को प्रेग्नेंट कैसे किया? लड़की को प्रेग्नेंट कैसे किया बताओ? कैसे प्रेग्नेंट किया था है? कैसे प्रेग्नेंट किया रे तूने? अरे भाई इंसान ही है वो, इतना कंफ्यूज क्यों है? और इस बंदे की बात सुनो, कितना चूतिया है ये साला। कैसे प्रेग्नेंट किया रे तूने? पूछ रहा है कैसे प्रेग्नेंट किया, बता दे भाई अपना शेड्यूल, बता दे तूने हार्डवर्क करके प्रेग्नेंट किया है या फिर स्मार्ट वर्क करके? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसको पूछना चाहिए कि प्रेग्नेंट क्यों किया अगर शादी नहीं करनी है। साला चूतिया जैसा पूछ रहा है प्रेग्नेंट कैसे किया। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।